आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने फैल जाएंगे और हरज बढ़ जाएगा। आपसे पूछा गया कि या रसूलल्लाह, हद से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को हरकत देकर फरमाया इस तरह, गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कत्ल मुराद लिया। बेशक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार ना होगा जब तक मैं इसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा उसका महबूब ना बन जाऊँ। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसद सिर्फ दो बातों में जायज़ है। एक तो उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो उस दौलत को राह हक में खर्च करने पर भी कुदरत रखता हो, और एक उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने हिकमत की दौलत से नवाजा हो और वो उसके ज़रिया से फैसला करता हो और लोगों को उस हिकमत की तालीम देता हो।